सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉगर। सो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है TVS रेडर की, जो कि इंडिया की TVS की मार्केट में जो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, और फैमिली बाइक में जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली बाइक फिलहाल अभी 2023 में जो चल रही है वो यही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे क्यों इतनी पसंद की जा रही है, क्या इसमें खूबियाँ हैं क्या नहीं है, सब चीज़ बताएंगे। जो TVS की रेडर है ये हमारे दोस्त भाई मोहित ने ली है। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई आइए इसके बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका मीटर चेक करते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लगा है। तो भाई देखो, जो मीटर है तो ऐसा होने वाला है, पहले ये वाली लाइट जलती है इसमें हॉर्स वाली, फिर उसके बाद पूरा डिजिटल मीटर कुछ इस पर ऐसा मिलेगा। अभी तक भाई ने 282 किलोमीटर चला दिए, और मैं दोबारा दिखाऊँ तुम्हें फिर से, तो ऐसा कुछ आने वाला है इसका मीटर। न्यूट्रल, टाइमिंग, गियर शिफ्ट, RPM और यहाँ पर किलोमीटर्स है। और ट्रिप की बात करें, इसमें ट्रिप ए मोड से दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मोड के मोड में ट्रिप ए ट्रिप बी है। रेंज दिखाता है कि फ्यूल रेंज दिखाता है वो, जैसे आप चलाओगे तो तभी आपको रेंज बताएगा कि किस हिसाब से आप चला रहे हो, उस हिसाब से रेंज दिखाएगा। ये एवरेज दिखाता है, मतलब कि पर लीटर आपकी बाइक कितना एवरेज दे रही है, और बस यही है फिलहाल। तो टाइम वगैरह दिखाती है। तो मीटर की बात करें तो मीटर तो यही है, बाकी हेडलैम्प की बात करें तो इसमें सामने की तरफ जो दिए गए हैं वो यहाँ पर DRLs दिए गए हैं, और ये ऊपर सारी LED लाइट दी है, जो मतलब इसके दो मोटर, भाई दो मोटर आते हैं इसमें, तीन हैं, तीन है, एक तो डिस्क है, हाँ एक तो पेडल है, अच्छा और ये बीच वाला एक बेसिक ड्रम, हाँ तो मतलब कि तीनों बाइक में LED ड्रम्स कह रहा हूँ, LED लाइट तो तीनों में है ना। तो भाई LED का ऑप्शन तो तुम्हें तीनों बाइक में मिल जाएगा, और DRLs का भी। बाकी तीन वर्जन है जिसमें मतलब कि ये डिस्क नहीं है सबसे बेस वाले मॉडल में, और ये बीच वाला मॉडल है, और जो अपर इससे ऊपर वाला मॉडल है उसमें बस ब्लूटूथ मिल जाता है। तो ये तीनों मॉडल में बात है, बस प्राइस में कितना फ़र्क है और तीनों बाइक के, अगर प्राइस की बात करें हैं तीनों बाइक में। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। परफॉर्मेंस की और पावर की, तो पावर इसमें दी गई है 11.2 PS की पावर दी गई है, और टॉर्क कितना है भाई, 11.2 का ही टॉर्क है, 11.2 का टॉर्क है भाई, जो कि स्प्लेंडर से मतलब कि अच्छे खासा पावर मिल जाती है, ये मतलब कि अच्छी खासी टक्कर दे देगी उनसे, मतलब कि कम्पीट कर देगी सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर वगैरह, जो इसकी रेंज की बाइक है 125 cc में, उनको अच्छी खासी ये टक्कर दे देती है। तो भाई अगर इसकी सीट की बात करें तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब कि एक स्पोर्टी वाली होती है सीट, मतलब अगर आपको मतलब ऐसी चाहिए सिंगल सीट चाहिए तो आपको सिंगल भी अवेलेबल हो जाएगी, अगर डबल सीट चाहिए तो डबल भी होती है, जो मतलब पीछे से अलग हो जाती है, पीछे वाली अलग होती है आगे वाली अलग होती है। तो दोनों का ऑप्शन है, वो तीनों बाइक में मिलता है आपको, तीनों मतलब कि मॉडल्स में मिलता है, कि आपको कौन सी रखनी है वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी रखें। भाई को ये वाली ज़्यादा कम्फर्ट लगी थी तो यही इसने रख ली थी। और अगर मैं एक चीज़ और बात करता हूँ, जैसे आजकल स्कूटीज़ में आ रहा है ना कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसा भी इन्होंने TVS वालों ने दिया है। अगर देखो हम पैर वाले बट इसको दबाएंगे तो ये दोनों हमारे ब्रेक लगेगी, ये देखो मैं अभी पैर वाले दबा रहा हूँ तो ये आगे का भी लग रहा है। कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बारिश वगैरह में भी और वैसे भी अगर चलाने में भी अच्छा कंट्रोल होगा बाइक पर भी। मैं भाई टायर की बात करें तो TVS टायर दिए गए हैं अपनी कंपनी के, और पीछे वाला जो टायर दिया है वो 100/90 का टायर है, और अगर आगे वाला टायर की साइज़ की बात करें तो आगे वाला टायर दिया है हमें 80/90 का, ये भी TVS का ही है। दोनों टायर ठीक है, मतलब कि टायर जो बाइक है बाइक के हिसाब से ठीक दिया हुआ है, मतलब कि 125 cc में हैवी टायर ठीक दिया है, तो उसके हिसाब से एवरेज थोड़ा शायद फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो दूसरे वाली बाइक होती है 125 cc में, उसमें इतना मोटा टायर तो इतना मोटा नहीं देते, हल्का सा फ़र्क रहता है, वो थोड़ा पतला रहता है, ये ज़्यादा मोटा है, तो शायद ये थोड़ा उसमें एवरेज में बीट कर सकती है। बाकी एवरेज की बात करें तो भाई कितने का एवरेज दे रही है अभी ये तूने चलाई, मतलब कि अंदाज़ा हुआ हो
अभी फिलहाल जो एवरेज निकल के आ रहा है इसका, जिस हिसाब से भाई चला रहा है, तो 55 से 60 अभी धीरे बढ़ेगा। कंपनी 70 बोलती है अपने मुँह से 70 का, तो जैसे इसकी सर्विस कराएंगे धीरे थोड़ा चलाएंगे तो उसी हिसाब से एवरेज भी बढ़ेगा इसका अभी। तो जो भी एवरेज रहेगा, मतलब कि बोलती है 70, भाई बोल रहा है 55 से 60 का भी इसको मिल रहा है, तो भाई इतना काफ़ी 125 सीसी में और इतनी लुक भी, जैसे हिसाब है लुक के हिसाब से तो भाई वर्थ इट है। की बात करें तो इसकी चाबी की, मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊं, तो जो आजकल लेटेस्ट कीज आ रही हैं वही आपको इसमें मिलेगी। कोई थोड़ी स्पोर्टी वाली भी आ ही रही है, इसमें भी फीलिंग देखो अगर मैं दिखाऊं तो ऐसी कुछ की है इसकी। और टैंक भाई, टैंक कितने लीटर का था भाई? 10 लीटर का इसका टैंक है, और अभी भी भाई की टंकी तो फुल ही रहती है और ख़त्म ही नहीं हुआ शायद। इस जो इस बाइक में अभी 4 कलर अवेलेबल है जो हो रहे हैं, ब्लू, ये और रेड, ब्लैक और येलो, 4 कलर हैं। 4 में से आपको जो अच्छी लगे जाके देखो वो वाली आप परचेज कर सकते हो। बाकी सब में फीचर कूल तो लग ही रही है भाई बाइक, पर ब्लैक में ज़्यादा कूल लग रही है। भाई मोहित, ब्लैक ही कलर क्यों? यूनिवर्सल। और जाके तुमने देखा और कलर पसंद नहीं आए? नहीं भाई, को ब्लैक पसंद आया, भाई ब्लैक लेके आए। तो भाई कह सकते हैं 125 सीसी में अच्छा फीचर्स, मतलब कि। और आपको ये पड़ी कितने की थी अगर लगाए ऑन रोड? कितनी की पड़ी थी? 1.15 की भाई को ऑन रोड पड़ी थी। जो इससे मतलब कि टॉप मॉडल था वो कितने का था? वो जिसमें बीटी वाला, वो पूछा नहीं थे, वो चाहिए नहीं था। और बेस वाला तो पूछा होगा, बेस वाला भी कोई बात नहीं भाई। तो मतलब कि 5-6 हज़ार का फर्क होगा, वो ज़्यादा होगी ये कम होगी बस, और तो कुछ नहीं होगा ज़्यादा कुछ खास। तो भाई अच्छा है, वर्थ इट है लेना। भाई चला रहे हैं अभी, भाई को पसंद आ रही है भाई पूरा, मतलब कि पैसे खर्च करके खुश हो। और घर वाले का क्या रिव्यू है? घर वाले भी खुश हैं? घर वाले स्प्लेंडर बोल रहे थे, पर फिर भाई ने घर वालों को थोड़ा समझाया बताया तो फिर इस पर गए, और सही डिसीजन था भाई का। तो भाई ट्राई करते हैं, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। भाई इसमें एक बात हो रहा है, मतलब कि जब सेल्फ मारते हैं जो, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, सीधा स्टार्ट होती है। देखो अभी मैं आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ, होगी भाई स्टार्ट। देखो बिल्कुल भी ना सेल्फ की आवाज़ है ना कुछ है, सीधा इंजन स्टार्ट ही हो जाता है। मैं एक बार फिर से दिखाऊँ आपको भाई, मुझे बस इसमें एक ड्रॉबैक लगा। जो ड्रॉबैक है इसमें ना, यहाँ किल स्विच नहीं है, यहाँ पे ना इको और पावर वाला बटन दिया हुआ है। तो मैं तो इसे जब से अगर बंद करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहला हाथ मेरा यहीं पे जाता है, फिर याद आता है इसमें नहीं है, तो यहीं से बंद होती है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, देखो देखना तुम अब की बार। देखो भाई होगी स्टार्ट, मतलब आवाज़ नहीं है सेल्फ की, एकदम से इंजन ही स्टार्ट होता है। ये काफ़ी अच्छा लगा है, ये ऐसे गुजार के हम जा रहे हैं। तो अभी एक बार देखते हैं इसको इनिशियल पिकअप ले, देखते हैं कैसा पिकअप है, अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और इसमें पता भी चल जाता है आपने कब कौन सा मोड सेट किया है। देखो अभी मैंने इको पे लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पता भी चल रहा है इको पे। और अभी मैं इसको पावर में लगाऊंगा तो यहाँ पे भी ये देखो इको से पावर पे शिफ्ट हो गया, तो पता चल जाता है। काफ़ी अच्छी मीटर है, सब कुछ डिटेल देता है। तो अभी एक बार पावर में एक बार इनिशियल टेस्ट करते हैं। इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, काफ़ी लंबा है। तो इसके हिसाब से अगर किसी भाई की अगर हाइट बड़ी है तो वो अगर कोई डाउट में हो तो भाई एक बार बैठ के दिखाना, तो भाई कुछ ऐसा उसकी लुक आने वाली है। अगर किसी की हाइट बड़ी है तो भाई देखो ऐसे कुछ फ्रेम में आएगा, और ऐसी देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ दिक्कत है जैसे आपकी हाइट बड़ी है, चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पूरी कम्फर्टेबल है। तो भाई जो बड़े लोग हैं जिनकी हाइट बड़ी है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस बाइक पे, तो ये भी अच्छी बात है। कंफर्टेबल है पूरी बाइक, तो आप इस पे बाइक को के लिए जा सकते हैं। बाकी ड्रॉबैक तो अभी तक कुछ नहीं लगा, इस वजह से हमने बताया भी नहीं है। सारे इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अभी वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। तो अगर आई होप मैंने सारी बातें इसमें वीडियो में कवर कर दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। बाय। Oh, oh, oh.